مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم और सौदरी वसरली अमरीकदतमिल कवलीसलम वरहमत ला वरक इस उम्मीद और अल्लाह की रहमत की यकीन के साथ के इशाला आप सब लोग बखार आफीयत होंगे आज जो मेरा टॉपिक है टुडे आम गोइंग टू डिस्कस द थर्ड कैटेगरी ऑफ द सेवन डेज सीरीज एंड हजरत अबू हुर ही नरवेटेड फ्रॉम प्रॉफिट रसूल सल वसलम

द सेकेंड बशा अब नशा अब इबादत और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत करते हुए ग्रो हुआ हो ए यंग मैन ही ग्रो इज अप वर्शिपिंग हिज लॉर्ड एंड द थर्ड कैटेगरी इज वराजुल कलब उनफिल मसाजिद वो लोग जिनके दिल मस्जिद के साथ जुड़े हों ए मैन हुज हार्ट इज अटैच टू द मॉस्क एंड नंबर फोर्थ वराजुलान तहाबफ इजतम व तफर काई दो लोगों का अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना और प्योरली अल्लाह की खातिर इकट्ठे होना और इसी मोहब्बत में जुदा होना थ्री मैन लव वन अनदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड मीट एंड पार्ट ऑन द बेसिस नंबर फिफ्थ कैटेगरी है वराजुलंदरातु मनसबिन व जमाल एक औरत जो अपने स्टेटस और मर्तबे की वजह से किसी मर्द को टम्प्ट uh, करने की कोशिश करे और वो मर्द जो अपने स्टेटस और मरतबे की वजह से किसी औरत को दावत दे ए मैन और वीमेन ही इज कोल्ड बाई एन अपोजिट जेंडर ऑफ रैंक एंड ब्यूटी एंड सही आई फेयर ऑफ अल्लाह फ़कौल इन्नी आकाफुल्लाह अगर कोई मर्द किसी औरत को बुलाए तो वो औरत करे फ़कौल इन्नी आकाफुल्लाह के मुझे अल्लाह का खौफ है द सिक्स कैटेगरी

और जिसमें इन सेवन कैटेगरीज को मेंशन किया गया है और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको इन सात लोगों में और वो लोग जो अर्श के सय में क़यामत के दिन जगह पाएंगे अल्लाह हमें उनमें उनके ग्रोह में उनके ग्रुप में उनके उनके कैटेगरी में शामिल होने की तोफीक अता करे टुडे द थर्ड कैटेगरी इज वराजुल कलबुनकन फिल मसाजिद ए मैन हुज हार्ट इज अटैच्ड टू द मॉस्क कि वो लोग जिनके दिल मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं व्हाट अ ब्यूटिफुल टॉपिक टुडे कि वो लोग जिनके दिलों में मस्जिद की मोहब्बत होती है मस्जिद क्या है Allah का घर है और बेसिकली दिस इज कैटेगरी ये जो है ये उम्म मुस्लिमा को नमाज की तरफ लाने के लिए है कि ऑफकोर्स मस, मसाजिद में हम जाते हैं नमाज के लिए अल्लाह के जिक्र के लिए तो बेसिकली नमाज एंड मस्जिद ये दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है और आज हम इन मस्जिद के बारे में कि जो मस्जिद में जाने को जिनकी मोहब्बत होती है और जो नमाज के साथ जुड़े होते हैं स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ राजमैनी मर्द और, और औरत दोनों है और इबन हजर असकलानी इसकी तफसील में जाते हैं जब इसको एक्सप्लेन करते हैं इस हदीस को तो वो कहते हैं कि वो नौजवान जिसका मस्जिद में बार बार जाने को दिल करता है यानी कि वो नौजवान जिसको मस्जिद जाना बहुत अच्छा लगता है इज ए मैन और वीमेन एंड दे हार्ट आर अटैच टू द मॉस्क दे वांट्स टू गो टू द मॉस्क एंड दे लव Uh, to go to the mosque. नंबर थ्री वो कहते हैं कि जो इंसान कंस्टेंटली अपने नमाज की फिक्र में लगा रहता है और इस कैटेगरी में वो लोग भी आ रहे हैं कि जिनके दिल आ, अपनी नमाज की फिक्र के लिए बेताब रहते हैं यानी कि एक एक नमाज पढ़ लेते हैं तो दूसरी नमाज के इंतजार में बेचैन होते हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह क्यामत के दिन अपने अरश के साय में जगह अता करेंगे और इमा, इमाम इबन सीरिन की बहन हफ्सा बिनसीन थी और वो बहुत इबादत गुजार थी और 30 इयर्स तक उनकी ये रूटीन रही थी कि वो अपने घर के कामकाज काज करती कि सारा दिन अपने घर के कामकाज काज करती और कामकाज करने के दौरान या उन्हें थोड़ी सी भी रेस्ट मिलती थी तो उन्होंने अपने घर के कोने में एक जगह मखसूस की हुई थी इबादत के लिए जहां पे वो अल्लाह की इबादत किया करती थी हदीसे मुबारक है हजरत अबू सईद सैद अल्द्री रदील्लाह फरमाते हैं कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया जो इलत ली अर्दु मस्जिदन वहरन कि मेरे लिए पूरी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया है और इसे पाक कर दिया है कि ये जो पूरी की पूरी जमीन है कहीं पे भी आप अगर वो जमीन पाक है तो आप कहीं पे भी जाए नमाज बिछा के नमाज अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने मुसलमानों के लिए इस सारी जमीन को एक मस्जिद बना दिया है और इसे पाक कर दिया है ताकि लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस हो सकें तो इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है और नमाज के लिए कोई अल्लाह ने कंडीशन नहीं रखी कि मखसूस जगह हो या यही वक्त हो या कोई इतनी कंडीशन नहीं है अल्लाह को सिर्फ आपकी नमाज चाहिए और अल्लाह के लिए आपको अल्लाह आपने सजदा करना है बेसिकली जब हम नमाज पढ़ते हैं जब हम अल्लाह के आगे सजदा रेज होते हैं तो ये हम अपनी जात के लिए करते हैं ठीक है अल्लाह इबादत के लायक है वो वाह शरीक है वो वाहिद जात ऐसी है जिसके आगे हम सजदा रेज होते हैं लेकिन हम अल्लाह की बंदगी जब इख्तियार करते हैं तो हम अपने गुनाहों के कफारे के लिए अपनी आखरत में बेहतर नेकियों को इकट्ठा करने के लिए और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए हम अल्लाह के आगे सजदा रेज होती हैं वो रब तो वो ऐसा रब है कि जिसकी जिसकी तारीफ में और जिसकी इबादत में हमा वक्त फरिश्ते दिन रात इबादत करते रहते हैं कि रसुल्ला वसलम की हदीस से मुबारक है कि मैं आसमान पर क्रीकिंग साउंड सुनता हूँ कि आसमान पर एक क्रीकिंग साउंड से मुरादा मुराद है इसमें कि जब किसी जगह पर आप ज्यादा बर्डन डालते हैं तो वो क्रीकिंग साउंड आती है चर चर की आवाज आती है अगर यानी कि एक घर की छत है वहां पे ज्यादा क्राउडेड हों लोग तो वो छत से भी आवाज आएगी इसी तरह रसूल सल्ला वसल्लम ने इसकी एग्जाम्पल दी कि आसमान पर अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते इस कदर कसीर तादाद में अल्लाह के आगे इबादत में झुके होते हैं कि सिर्फ उन, उनको ओके वहां पर पांव बलिश्त बार भी आसमान में ऐसी जगह खाली नहीं जाओ जो, जो कि फरिश्तों से खाली हो कि रब्बे रबाल उसकी इबादत उसकी अजमत उसकी बंदगी के लिए फरिश्ते ही बहुत हैं ये नमाज ये हमारे अपने गुनाहों का कफारा है ये नमाज अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका है यही नमाज है कि जो मुसलमान और काफिर में फर्क करती है यही नमाज है जो काफिर और, और मोमिन में फर्क करती है और इसी नमाज के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज अस्सलातु मिराजुल मिन ये जो नमाज है मोमिन की मेराज है और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नमाज बेशक मेरी आंखों की ठंडक नमाज है अल्लाह तला हमें भी हमारी आंखों की ठंडक भी नमाज बना दे अभी तो हमें हमारी आंखों की ठंडक बाही दुनिया की टेम्पेशन लगती हैं ग्लैमरस में लगती हैं टीवी मीडिया पे लगती हैं सोशल मीडिया पे हमारी आंखें नहीं थकती हैं और कुरान थोड़ा सा लेके बैठ जाएंगे तो हम थक जाएंगे मोबाइल फोन पे हम घंटों बैठे रहेंगे हम नहीं थकेंगे जैसे ही कुरान हाथ में आता है हम फौरन रिटायर्डनेस होना शुरू हो जाती है हमें तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो पैशन और वो कुरान के साथ कन्विक्शन और मोहब्बत अता करे जो अल्लाह के रसूल और रसूलों, रसूल वसल्लम के साथ उनके सहाबा कराम में थी और जब इंसान जवानी में अल्लाह की इबादत का और तोहीद का हक अदा करता है तो बेशक अफकोर्स वो अल्लाह के साय में जगह ले सकता है और इस कैटेगरी में वो मुसलमान के जैसे कि स्कॉलर्स कहते हैं वो इंसान वो मुसलमान जो कॉन्स्टेंटली नमाज की फिक्र में रहता है अब कॉन्स्टेंटली नमाज की फिक्र में बहुत से लोग रहते हैं जैसे नमाज की तरफ से बेफिक्र होते हैं ना लोग हमारी फैमिलीज में देख लें यंग जनरेशन्स में देख लें यूथ में देख लें कि उन्हें नमाज की कोई फिक्र नहीं होती और कुछ लोग नमाज से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि उन्हें हमेशा अपनी नमाज की फिक्र होती है कि अभी मेरी नमाज खजाना हो जाए मेरी नमाज का वक्त आने वाला है मैं ये काम जल्दी से निपटा लूँ मुझे अपनी नमाज अदा करनी है वो शॉपिंग पे जाते हैं उनका दिल नमाज में लगा रहता है कि मुझे घर चली जल्दी से चले जाऊँ मुझे नमाज पढ़नी है और ऐसे लोग जो अपनी नमाज की फिक्र करते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को अर्श के सई में जगह अदा करेगा और ये जो नमाज के लिए हर वक्त परेशान रहने वाले ये जो लोग हैं और ये जो माइंड सेट हैं कयामत के दिन अल्लाह इन्हें अपने अर्ज के साय में जगह अता करेंगे अब हमने पढ़ा है इस हदीस में वराजुलन कलबन मन मक के मैंने है हैंग्ड यानी कि दरमियान में लटका दिया जाना जैसे कि हमारा जो दिल है दोनों शोल्डर्स के दरमियान हैंग रहना इसी तरीके से जो वो इंसान जिनके दिल मस्जिद के साथ मौलिक हों हैंग हो यानी कि वो घर में हो तो उन्हें ये हो कि हमने मस्जिद में जाना है और हमने मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी है इस तरह इंसान का मस्जिद और घर के दरमियान मलक रहना इस कैटेगरी में आना जो कि थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के सय में जगह अता करेंगे और इससे मुराद स्कॉलर्स कहते हैं कि दो नमाजों के दरमियान उसका दिल अगली नमाज के लिए अटका रहे अब जैसे दो नमाजों के दरमियान कैसे है कि जोहर पड़ी है ठीक है तो जहर के जहर और असर के दरमियान उस बंदे को कॉन्स्टेंट इंतजार है कि अभी असर का टाइम शुरू होने वाला है असर से मगरब के दरमियान असर की नमाज पढ़ के जो ही फारग होते हैं वो लोग उन्हें अपने मगरब की नमाज की फिक्र होती है तो अल्लाह ताली हम सबको ऐसी फिक्र अता करे ऐसी नमाजों की फिक्र अल्लाह तला हमारी औलादों को अता करे वो नमाज जिसे अल्लाह के नबी ने अपनी आंखों की ठंडक कहा है अल्लाह ताली हमारे घरों को इस नमाज की रोशनी से ठंडक अता करे एक और हदीस है अल्लाह के नबी ने फरमाया और इमाम हजर असकलानी इसको बयान करते हैं अल अलमस्जिदुल्लु ममिन मस्जिद हर ममिन का घर होती है अब जो ममिन है कुल्लू ममिन कुल्लु ममिन से मुराद औरत भी है और मर्द भी है ठीक है और पांच वक्त की नमाज जो है ये ये फर्ज नमाज है ये इसकी फिक्र करना और इसकी फिक्र करने में बेचैन रहना और अपनी नमाज के लिए बेताब रहना ये मोमिन के निशाने हैं और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अगर वो वो बंदा मुसलमान तो बड़े लोग हो सकते हैं लेकिन मोमिन कोई कोई हो सकता है मोमिन की सबसे पहली निशानी क्या है जब हम कुरान पढ़ते हैं सूरत सेवनटीन सिपारा तो कद अफलहल मिनून कि बेशक मोमिन कामयाब है अल्ला हम फी सलात हिम खौश जो अपनी नमाजों में खशू करते हैं झुकाव के साथ अल्लाह की बंदगी के साथ रब के खौफ के साथ कबर के खौफ के साथ आखरत की गर्मी के खौफ के साथ वो लोग जब नमाज अदा करते हैं तो वो मोमिन की कैटेगरी में आते हैं तो मोमिन की जो सबसे पहली निशानी है वो नमाज है आप जहन में रखिएगा अगर कोई अपने आप को ये क्लेम कर रहा है कि वो मुसलमान से मोमिन की कैटेगरी में है तो वो अगर वो और अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसको जान लेना चाहिए कि नमाज जो है ये मोमिन की सबसे पहली निशानी है कि वो नमाज जो मोमिन है वो किसी भी सूरत में नमाज नहीं छोड़ सकते और जो नमाज छोड़ते हैं वो मोमिन नहीं है और शैतान तो जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो हम शैतान के बहकावे में होते हैं अपने नफ्स के बहकावे में होते हैं वर्ल्ड्स की टेम्टेशन्स होती हैं दुनिया की हमें बड़ी ग्लैमरस होती है अट्रैक्शन होती हैं हम बिजी हो जाते हैं और इवन औरतें यहाँ पे हर मुश्किल से मुश्किल काम करती हैं यूके की औरत जितनी यहाँ पे इस कंट्री में यहाँ पे औरत जितनी एक्टिव है इतनी पाकिस्तान की भी एक्टिव नहीं है और यहाँ की औरत हर काम करती है इन वन सिंगल टाइम शी इज अ मदर शी इज अ कुक शी इज अ क्लीनर शी इज अ ड्राइवर और वो घर के सारे काम करती है वो किचन के सारे काम करती है वो क्लीनिंग करती है वो ड्राइविंग करती है वो शॉपिंग और ग्रोसरीज लेके आती है सारे काम औरत करती है मगर अफसोस कि वो नमाज नहीं पढ़ती और नमाज का वक्त आते तो कहते हैं अच्छा कल से नमाज शुरू करूँगी हम लोगों के कितने ईमान कमजोर हो गए कि हमें दुनिया के कामों की फिक्र होती है हमें ये फिक्र होती है अपनी बेटी के लिए क्या खाना बनाना है बेटे नहीं आना है दामाद नहीं आना है उनको किस तरीके से हैंडल करना है ये वाला बिल देना है अब ये महीना पूरा होने को आ रहा है ऐसे काम करने हैं इतनी हमें दुनिया की फिक्र होती है हमें नमाज की फिक्र नहीं होती तो दुआ क्या करें अल्लाह हमें नमाज की फिक्र अता करें तो हदीसे मुबारका है कि वो मामिन मर्द और मामिन औरत जो मस्जिद से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें अपने अर्श के सय में जगह अदा करेंगे और मस्जिद में जाना अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस कंट्री में हैं और हर मस्जिद के साथ औरतों की सेपरेट जगह है और वो औरतें जिनको टाइम मिलता है और वो घर की जिम्मेदारियों से फारिग होती हैं अगर वो मस्जिद में नमाज के लिए आती हैं तो उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ना खा वो मर्द हो या औरत उसे ट्वेंटी फाइव टाइम उसको मोर अवार्ड मिलता है मर्द है या औरत है वो अलग बात है कि औरत के लिए उसके घर में नमाज पढ़ने की भी फजीलत है कि औरत ने और भी बहुत से काम करने होते हैं लेकिन अगर कोई भी मसाजिद जहाँ पे आप देखें कि ये नमाज की जमात के साथ सहूलत मौजूद है तो जहन में रखेगा कि मर्द हो या औरत दोनों की नमाज को अल्लाह पच्चीस मरतबा ज्यादा सवाब अता करता है एक बहुत बड़े वलील्ला थे अल्लाह के नेक बुजुर्ग गुजरे हैं तो उनका नाम था वो स्कॉलर थे बहुत बड़े और उनका नाम था मोहम्मद बिन समा बहुत ही बड़े बुजुर्ग थे अपने वक्त के तो वो वो बताते हैं और उनकी ये एक उनकी तरफ से वाक्य है कि वो कहते हैं कि मैंने 40 साल तक जमात तो दूर की बात मेरी तकरीब तकबीर ओला भी कजा नहीं हुई थी यानी कि वो मस्जिद के इतने शौकीन थे और मस्जिद के साथ उनको इतनी थी तो वो कहते हैं कि चालीस साल तक जमात तो दूर की बात मेरी कभी तकबीरें ऊला भी कजा नहीं हुई थी यानी कि मैं मस्जिद में बिल्कुल जमात के शुरू होने से पहले पहुंच जाया करता था और फोर्टी ईयर्स कॉन्स्टेंट उनका ये आ, अमल होता था तो कहते हैं कि एक बार मैं जमात के लिए थोड़ा लेट हो गया वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी वालदा के इंतकाल के सदमे में था तो फरमाते हैं कि मैंने सुना था कि जमात जो होती है वो मुनफरिद अगर इंडिविजुअल पढ़ी जाए तो एक नमाज का सवाब है और अगर जमात के साथ पढ़ी जाए तो 25 टाइम्स उसका रिवॉर्ड होता है तो कहते हैं कि मैं जब गया तो मेरी मेरी नमाज मिस हो चुकी थी जमात के साथ तो कहते हैं मैंने वहीं पे खड़े होकर मैंने पच्चीस मरतबा नमाज अदा की और कहते हैं कि जब मैं ट्वेंटी जब मैं लास्ट टाइम यानी कि पच्चीसवें मरतबा पे मैं जब अपनी नमाज के बाद सलाम फेर रहा था तो मुझे गैब से आवाजें मोहम्मद बिन समा नमाज तो तूने अदा कर ली मगर दौर लीन के बाद फरिश्ते जो आमीन कहते हैं, वो कहां से लेकर आओगे? यानी कि नमाज को जमात के साथ पढ़ने का इतना दर्जा है और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं पच्चीस हजार मरतबा भी मैं नमाज को अदा कर लू तो मैं जमात के दर्जे को नहीं पहुंच सकता तो ये मसाजिद के साथ मर्द हो या औरत उसकी मोहब्बत अल्लाह को बहुत पसंद होती है और इसी तरीके से हदीस मुबारका है रसूलुल्लाह ने फरमाया तम ना इमा के ये जो औरतें हैं ये अल्लाह की बंदियां हैं इमा अल्लाह इनको इमा अल्लाह हदीश में हदीस में करके मेंशन किया गया है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोका करो ये वो इस्लाम है जो में औरतों को अपलिफ्ट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो इस्लाम है जो हमें मर्द और, और, और औरत के साथ नमाज पढ़ने का जमात के साथ नमाज पढ़ने का पूरा पूरा हमें बाकायदा बराबर में सवाब सवाबता कर रहा है और वो इस्लाम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औरत को भी मस्जिद में आना इतना पसंद फरमाते थे और कहा कि मेरी इन अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से नहीं रोका जाए हम उसी इस्लाम को हम उसी मसाजिद को अपने गले का फंदा समझते हैं बहुत अफसोस एंड आई एम रियली सॉरी टू से कुछ खवतन जो होती हैं वो ईजीली मस्जिद तक उनकी पहुंच हो सकती है वो आ सकती हैं वो नमाज पढ़ सकती हैं वो नहीं आते ये आज के मुसलमान को देखें तो इन्हें इस्लाम अच्छा नहीं लगता ये इस्लाम वो है जो अल्लाह के रसूल ने आपसे पंद्रह सौ साल पहले बता दिया था कि औरतें भी अगर मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो अल्लाह उन्हें ट्वेंटी फाइव टाइम्स मर्दों के बराबर में सवाब अता करता है ये इस्लाम वो माशरा है जिसमें औरत को जिंदा रखा गया उससे पहले बेटियां पैदा होती थी उन्हें जिंदा गाड़ दिया जाता था अल्लाह के रसूल आए रहामत आलमीन आए आपने बेटी की पहचान कराई अपने माँ के रिश्ते की पहचान कराई आपने बहन के रिश्ते की पहचान कराई कि इस्लाम की जिंदगी के साथ वो माशरा जो इस्लाम के साथ हमें जिंदा रहने की तलकीन करता है और कुरान को हम सिर्फ सुबहान्ला वाह वाह कह के हम नहीं मत सुना करें कि हम कुरान के या लेक्चर्स या स्पीचेस आप सुन रही हैं तो वाह वाह और सुबहान अल्लाह और ऐसे अपने इन चीजों के लिए लिए हमने कुरान को नहीं सुनना हमने हदायत पकड़नी है कि कुरान को सुने तो हम हदायत पकड़ें इस कुरान को हदायत लेने के लिए सुने ना कि सिर्फ इस पर सुबहान अल्लाह कहने कहने के लिए बल्कि कुरान को जब आप सुनते हैं तो अल्लाह से अप, अपने कुरान को सुनने की हदायत के लिए दुआ किया करें कि कुरान हमें जिंदा करता है अफकोर्स कुरान हमें हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करता है हमारी मुर्दा रूहों को जिंदा करता है और अगर हम जिंदा होंगे तो इनशाला इस्लाम जिंदा होगा हम जिंदा होंगे तो कुरान जिंदा होगा हम हमारे दिलों की जो बुराइयां हैं हमारे दिलों के जो नफ्स है, हैं ये जिंदा होंगे तो इनशाला हमारे दिलों में अल्लाह का कलाम पेनिट्रेट करेगा कि कुरान जो है इसको प्रैक्टिकली थामना है और हमें कुरान को प्रैक्टिकली शो करके दिखाना है हम बजाय के बाहर निकल के हम बताएं कि हम मुसलमान है कुरान इस्लाम हमारे करैक्टर हमारे इखलाकियात हमारे किरदार हमारी जुबान और हमारी ड्रेसिंग से शो होना चाहिए दैट वी आर अ मुस्लिम कि हमें खुद को बताना नहीं पड़े कि हम मुसलमान है उठिए और दीन का रिवाइवल करें और अपने आप को कुरान का रिवाइवल करने वाली बनिए आप में अल्लाह ने सारी सलाहियतें रखी हैं यू जस्ट नीड टू पुश योर सेल्फ आपको सिर्फ इस्लाम में अपने आप को आपको, आपको तैयार करके अपने माइंड सेट को शैतान की तरफ से फेर के अल्लाह के कलाम की तरफ लेकर आना है क्यों क्योंकि कुरान कहता है वह कदाल का जाननाकम वसतन और हमने आपको बेहतर उम्मत बनाया कि बहुत से अम्बिया कराम रसूल्ला सल्ला वसलम की उम्म में आने के लिए दुआ किया करते थे इस उम्मत के इतने दर्जे हैं आप इस उम्मत की बहनें हैं आप इस उम्मत की बेटियां हैं आप इस उम्मत की जो है बहने और बेटियां और इस्लाम की आप प्रमोट करने वाली हैं उठिए आपको अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत के तौर पे पैदा किया है और अगर हर औरत ये समझ ले कि मैंने इस्लाम को अपने खानदान में प्रमोट करना है और मैंने अपने खानदान में अपनी फैमिली में अपने बच्चों में इसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी लेनी है तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद करेंगे क्योंकि मोमिन किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह के सिर्फ ये जज्बा और हमें विल पावर चाहिए कि हम इस्लाम को प्रमोट करने वाले बनिए कि हम इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं तो माँ बेटी को ना देखे कि मेरी बेटी अमल कर रही है या नहीं अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी है अगर बेटी इस स्टेज पे है कि वो ये देख रही है कि मेरी माँ स्काफ नहीं कर रही मेरी माँ नमाज नहीं पहन रही पढ़ रही तो मेरी माँ इस्लामियत के इस्लामी तारीखों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रही तो वो बजाय अपनी माँ को देखने के इस्लाम को देखे उस्ताद जो हैं वो इस्लाम के मुताबिक अपने शगिर्दों की तरबीजियत करें और अल्लाह ने पूछना है अल्लाह ने जितनी भी माँ ये लेक्चर सुनी है अल्लाह ने हमसे सवाल करना है कि अपनी औलादों को कैसे ब्रॉटअप किया था उन्हें नमाज की तरगीब की थी कि नमाज एक वो अमल है जो सारे अम्बिजाई कराम की सुन्नत रही है और सारे के सारे नबियों की नमाजों में एक चीज जो थी वो सिमिलर थी वन थिंग व सिमिलर नमाजों में और वो सजदा थी क्योंकि सारी अकल जो होती है हमारा सारा फहम होता है ना वो सारी हमारे इसी फ्रंटर लॉ पर रखा गया है और ये सजदा में जब पेशानी झुकती है तो अल्लाह को बहुत पसंद आता है ये अंदाज क्योंकि यहीं से हमारी सारी थिंकिंग कैपेसिटी शुरू होती है और यहीं से इंसान की ईगो शुरू होती है और यही फ्रंटर लोग जब रब के आगे अल्लाह की ताजीम के साथ अल्लाह की तोहद के साथ अल्लाह की बंदगी के साथ जब ये सजदे में सर झुकते हैं फिर अल्लाह ऐसे सरों को कभी किसी और के सामने झुकने नहीं देखा ये जो सजदा करते हैं मोस्टली जो लोग होते हैं अमूमन ये मैं अब उनसे बात कर रही हूं जो यूथ है जैसे सजदा करती हैं फौरन से सजदे से सर उठा लेते हैं तो सजदा बेसिकली अपने फॉरहेड को टच करना नहीं है जमीन के साथ बल्कि सजदा सकून के साथ है कि आप सुकून से सजदे में जाए सुकून से थ्री टाइम्स पढ़ें सुबह नरबीएल आयला तो फिर देखिएगा आपके दिल को कितना सकून मिलता है और हजरत जक्रिया सलाम जब आप औलाद की दुआ करते थे तो मकदस में अल्लाह ने आपको मखसूस क़लिमात और वजाइफ बताए थे जो कि हम सरे इमरान के दर्स में पढ़ चुके हैं तो वो मकदस में एक मखसूस कोने में कयामईल किया करते थे और आप कयामईल करके अल्लाह से अपने लिए औलाद की दुआ किया करते थे और हजरत जक्रिया ने अपनी मस्जिद के एक कोने में जो कोना था उसको रिजर्व किया हुआ था इबादत के लिए कि वहां पे जाते और अल्लाह के आगे सजदार रेज हुआ करते थे और हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के साथ कितनी मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला फरमा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है कितनी खूबसूरत हदीस है नमाज मोमिन के मेराज है कि नमाज तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मुलाकात करे तो उसके सजदे में उसकी बारगाह में आ जाया करो बहुत आसान है अल्लाह को पाना अल्लाह के दीन को पाना अल्लाह की बंदगी में आना कोई मुश्किल नहीं है सिर्फ आपको थोड़ी सी इसके लिए अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और आपको अपने आप को एनर्जाइज करना पड़ेगा और आपको हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम नमाज पढ़ेंगे और इन हम जरूर नमाज पढ़ने वाले होंगे हम जरूर अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले होंगे कि वराजुल कलब उन अल्लाफिल मसाजिद के वो लोग जिनके दिल मस्जिदों के मोहब्बत में जुड़े रहते हैं अब तो बड़ा हमें मस्जिद के साथ मोहब्बत का अंदाजा हो गया ना वो सब रेगुलर खीन जो मेरे साथ हम अपनी मस्जिद में जाया करते थे और अलहमद लाला के अल्लाह के फजल के साथ और अल्लाह के करम के साथ हल्ला के घर को आबाद किया करते थे कितना सुकून मिलता था जुम्मत मुबारक की नमाज़ अदा करना दरसे कुरान करना और इबादत की रातों में अहतमाम करना मस्जिद में मंथली प्रोग्राम्स की गैदरिंग अटेंड करना कितना हमें सुकून मिलता है ये वो घड़ियाँ हैं ये वो साड़ते हैं जो हमारी कबर में भी काम आएंगी हमारे हशर में भी काम आएंगी क्या मस्जिद में जाते थे अल्लाह तेरे घर में तेरा कलाम सुनने के लिए हम तेरे घर में आते थे और रसुल्ला की हदीसी मुबारक आपने फरमाया कि जो मस्जिदों को आबाद करते हैं अल्लाह उनके दिलों को आबाद करता है तो दिलों की आबादी चाहिए दिलों का सुकून चाहिए तो डिप्रेशन की गोलियां खाने से बेहतर है कि मस्जिदों से दिल लगा लीजिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमाज से बड़ी मोहब्बत थी और जमात के साथ बड़ी मोहब्बत थी कि अपने विसाल से सिर्फ तीन दिन पहले अपने विशाल से पहले रसूल्ला सल्ला वसलम जो थे बहुत तेज बुखार में थे हाई टेम्परेचर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अंबियाई कराम को जब बुखार होता है तो उनका हमारी तरह आम नॉर्मल बुखार नहीं होता उनका बुखार इंतहाई तेज होता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह को बुखार था तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो कहते हैं अचानक से मैं मेरा मेरे हाथ ने उनकी थाई को टच किया तो मैं मुझे ऐसे लगा जैसे कि कोई तंदूर तप रहा है के जो उनका अम्बिया और रसूलों का बुखार हमारी तरह नहीं होता उनको अल्लाह ने उनकी बड़ी आजमाइशें होती थी और आप अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा फरमाती कि आपको बहुत तेज बुखार था आपके विशाल से पहले की बात है तो आप उठे और आपने पूछा आयशा क्या मेरे सहाबियों ने नमाज पढ़ ली क्योंकि हजरा मुबारक साथ था तो हजरत आयशा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी वो आपका इंतजार कर रहे हैं रसूल्लाह उठे जमात की निजत से उठे कि वो आप उनको लेट करेंगे तो आप आप फेंट हो गए बेहोश हो गए आप फिर थोड़ी देर के बाद होश में आए तो आपने पूछा आयशा क्या मेरे सहाबियों ने नमाज़ पढ़ी हजरत आयशा फरमाते नहीं अल्लाह के नबी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और कैसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह को अपने अल्लाह की घर के साथ और कैसी मोहब्बत थी साहबा कराम को रसूलुल्लाह के साथ कि उनका बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आप आएँ और हमें नमाज पढ़ाएं और तीन मरतबा स्कॉलर्स कहते हैं तीन मरतबा अल्लाह के नबी उठे नमाज के नजियत से उठे और तीनों मरतबा बेहोश हो गए फोर्थ टाइम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबियों का सहारा लेते हुए ड्रैगिंग करते हुए आपको यानी कि जैसे सहारे से बहुत कमजोरी हो चुकी थी और आपको सहारे के साथ पकड़कर जब दो सहबा कराम मस्जिद नबी शरीफ में लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर बकरी को अपने जाए नमाज पर खड़ा कर दिया ये क्रेव था रसूल्लाह का नमाज के साथ और वो भी जमात के साथ और अल्लाह के नबी के जो आखिरी अल्फाज थे रसुल्ला सल्ला वसल्म के जो आखिरी अल्फाज थे वो क्या थे नमाज और मेरी उम्मत, नमाज और औरत ये रसोल्लाह के आखिरी अल्फाज थे प्रेयर एंड दूमन और मेरी उम्मत की औरतें लोगों नमाजों का भी ख्याल रखना और रसोल्लाह ने फरमाया कि ए मेरी उम्मत के मर्दों मेरी औरतों का ख्याल रखना और उनके हकूक की हिफाजत करना और फिर ये अल्लाह ताला हमारी उम्मत के मर्दों को अपनी औरतों के हकूक़ पहचानने की तोफीक़ अदा करे और इसी तरह के तरह से अल्लाह करीम हमारी उम्मत की औरतों को अपने खावन के हकूक पहचानने की तोफीक अदा करें कि जमात के साथ ट्वेंटी फाइव टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट होती है नमाज पढ़ना और उम्मत की औरतों पर जमात के साथ फ़र्ज नहीं है मगर मर्दों पर जमात के साथ फ़र्ज है पाँच नमाजें फ़र्ज हैं मर्द और, और मर्द मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर फाइव टाइम्स जो है नमाज है वो अब्लीगेटरी है हर हाल में पढ़ना और फराइज के बारे में सवाल किया जाएगा और मगर औरतों पर जमात के साथ पढ़ना फर्ज है हाँ अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में जाकर मस्जिद को आबाद करती हैं तो बड़ा दर्जा है अगर वो अपने घर की जिम्मेदारियों से फारिग होकर अगर उनको इनफ टाइम मिल जाता है कि वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ें तो जरूर पढ़ा करें इसके बड़े दर्जे हैं और अल्लाह ऐसे मर्द और ऐसी औरतों को जो मस्जिद में आकर इबादत करने को घर की इबादत से प्रीफर करते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्ज के साय में जगह अदा करेंगे और हजरत उमर जो थे उनको नमाज से इतनी मोहब्बत थी साहब है कराम नमाज से बहुत मोहब्बत किया करते थे कि उनको नमाज के दौरान स्टैब किया था दो तीन दिन आपका जख्म रहा था आप फिर भी नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे और ये मत कहें कि मैं जॉब पे जाती हूँ मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता मैं युन, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता और आ, मैं आ, काम पे हूँ कहीं पे भी, भी हैं आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जॉब पे कोशिश करें और आप निजत कर लें इनशाला मेरा रब आपको जरूर वक्त मुहैया करेगा अगर कभी किसी कंडीशन में आप नमाज नहीं पढ़ सकते तो नमाज की माफी नहीं है जो नमाज छोड़ते हैं ये मेन का तरीका नहीं है ये अल्लाह ने मोमेन की कैटेगरी में इनको नहीं रखा जो नमाज नहीं पढ़ते कि नमाज तो इतना बड़ा अमल है और नमाज पढ़ना ये कोई बहुत बड़े कमाल की बात नहीं है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ खुदा का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपके सर को आपकी पेशानी को अपने बारगाह में सजदा रेस करने के लिए झुका दिया है और स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह जब किसी से नाराज होता है कि जब रब किसी से नाराज होता है तो उसको खाना पीना नहीं बंद करता अल्लाह उसका रिस्क बंद नहीं करता अल्लाह उसके वसाइल बंद नहीं करता अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो उससे सजदे की तोफीक छीनता है और देखिए तो सही जरा सोसाइटी में अपने घरों में देखिए कितने लोगों से अल्लाह ने तोफी छीन ली है।, क्या दिलों की गंदगी नहीं है ये क्या ये जंग नहीं है हमारे दिलों पे अल्लाह से दुआ किया करें अल्लाह हमें पांच वक्त के नमाजी बनाइए अरबिजुल जलाल ये नमाज वो है कि कब्र में जाएंगे सबसे पहला नमाज के बारे में सवाल सबसे जो पहला सवाल है ये नमाज के बारे में किया जाएगा दैट नमाज इज ए स्पिरिचुअल ऑक्सीजन फॉर मेन कि ये हमारी ऑक्सीजन है नमाज स्पिरिचुअली हमारे हमारे बॉडी को बूस्ट करती है और इनर्जाइज करती है ये नमाज कि अल्लाह कुरान पाक जो है अल्लाह ने कैसे रेवलेशन की थी फरिश्तों के जरिए कि सारे के सारे अहकाम रोजे से लेके नमाज आ, कुरान से लेके सारे के सारे अहकाम अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत जबरील के जरिए रसुल्ला वसलम पर रविलेशन आया करती थी लेकिन नमाज वो है जो अल्लाह ने रसुल्लाह को अपने अर्श पर बुलाकर तोहफे में दी थी कि नमाज की कदर किया करें कि नमाज पढ़ते हैं तो सारे जिसम के गुना माफ होते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सजदे में खड़े होते हो जब तुम जब तुम सजदे में जाते हो जब तुम कयाम में जाते हो जब तुम तशाहत में जाते हो तुम्हारे वजूद के साथ तुम्हारे जिस्म के साथ जितने भी गुनाह होते हैं अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है अल्लाह उनको माफ कर देता है और नमाज वो है असला तो तनहा अनिल फहशा इवल मुनकर यह नमाज वो अमल है जो तुम्हें बेहयाई से और बुरे कामों से रोकती है हम औरतें बड़े काम करती हैं मुश्किल मुश्किल हम नमाज नहीं पढ़ती और मुझे बड़ा ही अफसोस होता है एंड आई एम रियली सॉरी टू से हमारे घरों में छः-छः घंटे आठ आठ घंटे किचन में खड़ी होकर काम करती हैं पचास पचास बंदों का खाना बना लेती हैं औरतें तीन तीन घंटे शॉपिंग पे खड़ी रहेंगी नमाज नहीं पढ़ती कितने अफसोस की बात है कि हम नमाज नहीं पढ़ते खुदा का शुक्र अदा करें अल्लाह ने कोई कंडीशन नहीं रखी कि अल्लाह ने यह नहीं कहा कि फरिश्तों इसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी इसे नाश्ता नहीं देना अल्लाह ने कोई ये कंडीशन नहीं रखी कि ए, मेरे फरिश्तो इस बंदे ने जहर की नमाज नहीं पढ़ी इसे लंच ना मिले और अल्लाह इतना रहमान और रहीम है कि उसने यह कंडीशन नहीं रखी कि मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा इशा के लिए नहीं खड़ा हुआ इसको डिनर नहीं मिले बल्कि अल्लाह हमें बेतहाशा नेमती रहम के साथ, और अपने के साथ हमें बिन मांगे अता करता है और हम एक नमाज नहीं पढ़ते नमाज अपना अमल है अपने जहनम से बचाने का तरीका है अपने आप को अल्लाह की बंदगी में ले आइए खुदारा नमाज को इतना मुश्किल मत बनाइए नमाज बहुत आसान है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम में से कोई बंदा दिन में अगर पांच मर्तबा नहाए कि उसके घर के पास कोई नहर बहती हो और वो पांच मर्तबा नहा लिया करे तो उसके बदन पर कोई मैल रहती है तो सहाबा कराम ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल अगर कोई बंदा दिन में पांच मर्तबा नहाए गुसल करे तो उसके बदन पर मैल कैसे रहेगी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बंदा दिन में पांच मरतबा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ करता है और इसी तरीके से हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑटम सीजन था खजान के दरख्त खजान का मौसम था तो दरख्त के पास खड़े थे तो आपने दरख्त की शाख को खिलाया सारे पत्ते नीचे गिर गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब बंदा नमाज पढ़ता है इस तरीके से उसके गुनाह जड़ते हैं जिस तरह ये दरख्तों से पत्ते जड़ रहे हैं ताक रातें हैं इबादत की रातें हैं नमाज रमजानबारक के अयाम हैं रमजान मुबारक के दिन हैं उठिए और वादा कीजिए कि हम इनशाला पांच नमाजें कायम करने वाले बनेंगी मैं कॉलेज में हूँ मैं यूनिवर्सिटी में हूँ मैं जॉब पे हूँ मैं एयरपोर्ट पे हूँ मैं मैरिज हॉल में हूँ मैं कहीं पे भी हूँ अगर मुझे वहाँ पे नमाज पढ़ने की जगह मयसर है इफ दे इज अ प्लेस टू रीड नमाज इनशाला आई विल रीड माई नमाज मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी उठिए और इन ताक रातों में और इन इबादत के दिनों में अपने दिल से वादा कीजिए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के जुमा के दिन जो लोग अर्ली मस्जिद में आते हैं पहली सफ में बैठते हैं और फिर अटेंटिवली होकर खुतबा सुनते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनके लिए सवाब एक साल के कयामुल्लईल लैल पता किसे कहा जाता है सारी रात की नमाज पढ़ना और जो जुमा के दिन ये इन तीन चीजों का अहतमाम करते हैं तो उन्हें एक साल की कयाम और एक साल के सयाम का सवाब मिलता है सिर्फ एक जुमा की नमाज को ऐसे ही अदा करना और वो भी मस्जिद में जाकर के अर्ली मस्जिद में जाना फर्स्ट रो में पहली सफ में बैठना और अटेंटिवली खुतबा को सुनना अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह तला उसको एक साल के लैल और एक साल के सयाम का सवाब बता करता है कितने इंटेंसिव है हम ना लें तो वो अलग बात है घर की जिम्मेदारियों से फारिग होकर अगर मस्जिद में आए तो जरूर आए इन मस्जिदों को आबाद करें मस्जिदों को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमारे दिलों को आबाद करेगा मस्जिदों को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमारी कबरों को रोशन करेगा मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह हमारी कबरों को तहद निगाह तक वसी करेगा इन और अल्लाह कबर में कुशादगियां अता करेगा और अल्लाह इन्हीं मसाजिद से मोहब्बत और नमाज से मोहब्बत के बदले में अल्लाह हमें क्यामत के दिन अपने अर्श के साय में जगह अता करेंगे मट घंटों घंटों बैठे रहा कर नेटफ्लिक्स पे सीजन पे सीजन सीजन पे सीजन सीरीज पे सीरीज हम खत्म कर जाते हैं मोबाइल फोन पे बैठे होते हैं फेसबुक में दो दो घंटे हम लगा देते हैं सोशल मीडिया पे हम अपनी वेस्टिंग कर रहे हैं जिंदगी को भी जाया कर रहे हैं और अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं और ये वो टाइम है जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम उठा के करा है वाला असर इन अल खसर बाय द टाइम इंसान नुकसान में है ये लोग नुकसान में है अल्लादीन आमन और अमिलहत सिवाय उन लोगों के वो नुकसान में नहीं है जो नमाज पढ़ जो ईमान वाले हैं और अच्छे काम करने वाले हैं और अच्छे अमाल में जो सबसे पहला अमल है वो बंदे की नमाज है व तवासो बिलहक की व तवासो बिसब्र और वो माशरे में सोसाइटी में अपने घरों में वो नमाज को प्रमोट करने वाले हैं वो सब्र को प्रमोट करते हैं और हक की तलकिन करते हैं मस्जिद से दूर हैं घर या मस्जिद से नजदीक हैं बस अपने दिलों को जोड़ लीजिए मस्जिद के साथ जोड़ लीजिए बड़ा मजा है इन मस्जिदों के साथ मोहब्बत कीजिए और अलहमद मैंने हम लोगों ने इस कोविड 19 में कितना हमने महसूस किया है कि हमारी मोहब्बतें मस्जिद के साथ कितनी है मैंने बहुत से लोगों की मोहब्बत देखी है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है मस्जिद नबी शरीफ और अहरम काबा जो हैं वो खाली कर दिए गए थे तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग रो रहे हैं और मैंने और लोगों को अपनी लोकल मसाजिद के लिए रो रोते देखा है और इवन हमारी मस्जिद में अलहमद जो रिसेंटली पब्लिकली अजान दी गई है मैंने इसकी खुशी में लोगों को रोते देखा है दिस दिस इज अंस ऑफ योर ईमान ये हमारे ईमान की निशानी है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपनी मस्जिद से मोहब्बत करते हैं हम अपने अल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं तो यही मोहब्बत हमें क्यामत के दिन हमारे रब के अर्श के साय में जगह अता करेगी ये घर ये गाड़ियाँ ये बैंक बैलेंस ये माल ये दौलत ये बेटे ये बेटियाँ ये फेम ये शोहरत ये इज्जत कोई भी चीज हमें अल्लाह के अर्श के सय में जगह अता नहीं करेगी नमाज और मस्जिद से मोहब्बत जरूर अता करेगी और स्कॉलर्स कहते हैं कि बनु सलमा एक ट्राइब था जो कि एक डेढ़ घंटे की मुसाफत के बाद मस्जिद नबी एक ट्राइब था कि वो मदीना शरीफ के थोड़ा सा बाहर रहा करते थे और वो ट्राइब के लोग जो होते थे मस्जिद नबी शरीफ में नमाज के लिए आते तो उन्हें उन्हें मिनिमम मैक्सिमम उन्हें वन आवर लगता था आने में तो उन्होंने एक दिन रसूलुल्लाह के पास है और कहा कि हम आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं मस्जिद नबी शरीफ में आते हैं हमें सुकून मिलता है नमाज के लिए अगर आप इजाजत दें तो क्या हम अपने घरों को इधर मस्जिद नबी के करीब लाकर अपने कबीले को आबाद कर लें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं सलमा आप वहीं पर रहो और वहीं से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करो क्योंकि कुरान में अल्लाह कहते हैं व नक तुबू मा कदम व आसारहुम तुम जितने कदम चलोगे अलवो आसार तुम्हारे लिए अल्लाह अच्छी निशानियां बना देगा कि मस्जिद की तरफ जितने कदम उठते हैं नमाज के लिए ये जो जो रस्ते में चीजें आती हैं ना ये गवाही दिया करेंगी औलादों ने भी गवाही नहीं देनी हमारी इन दोस्तों ने ये जो सर्कल्स में हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके पीछे लग के हम अपनी जिंदगियों को खराब करते हैं ना किसी ने उठ के गवाही नहीं देने कयामत के दिन हमारी। लेकिन ये जो बेजान चीजें हैं ना ये जो दरो दीवार है ना ये उठ के गवाही देंगे कि ये बंदा मस्जिद के लिए मोहब्बत के साथ आया था कि अल्लाह खुद इन आसार को हमारे लिए निशानियां बना देगा शैतान के ट्रैप से खुद को बाहर निकालिए डोंट अंडर एस्टीमेट योर सेल्फ जितनी नमाजें छूट गई मैं तो पहले ही कहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट होती है सबसे और आ, इवन इन दिनों में भी ताक रातों में भी मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है जो एहतकाफ में है जो ताकरातों की इबादत को पा रहे हैं जिन्हें ये सहूलत मुयसर है अपने कजा नमाजें अदा कीजिए फराइज के बारे में सवाल होना है एटलीस्ट अपने फर्ज नमाज जरूर पढ़ा करें इसका सवाल होना है जो नवाफिल और सुन्नत होते हैं ये हमारे फर्ज नमाज को फर्ज नमाज को उसकी उसकी मकबूलियत में और उसकी कामयाबी में हेल्प करती हैं यानी कि स्कॉलर्स कहते हैं कि फर्ज नमाज जिनों जो जो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ते हैं और सुन्नत और नवाफिल नहीं पढ़ते तो कयामत के दिन अगर उनके फर्ज की अदायगी में कोई कमी बेशी रह गई तो उनके पास कोई चीज नहीं होगी कि उस कमी को दूर कर सकें लेकिन जो अपने फराइज नमाजों के साथ सुन्नतें और नफल भी अदा करते हैं तो फिर वो सुन्नतें और नफल जो होंगे उनकी फराइज नमाज, नमाजों की कमी बेशी को दूर कर देंगे तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जितनी आपकी खजान नमाजें हैं जिंदगी की बकिया हिस्से में उनको अदा कीजिए नहीं ना पता कब से नमाज सात साल में फर्ज थी आई एम थर्टी प्लस आई एम फोर्टी प्लस इफ यू आर फिफ्टी प्लस और सिक्सटी प्लस आप जितनी भी एज में हैं कोशिश कीजिए अपनी नमाजें जो छूट गई हैं उनको जरूर कजा अदा कीजिए कब्र में सवाल किया जाएगा उस वक्त की तैयारी कीजिए जब कोई भी चीज काम नहीं आएगी और उस दिन से डरिए कि जब लोग कयामत के दिन हशर की गर्मी में खड़े हो होकर थक जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू कर दे हम कयामत की गर्मी में नहीं खड़े रह सकते और जो नमाज पढ़ने वाले होंगे और जो मस्जिदों को आबाद करने वाले होंगे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों को अपने अर्श के साय में जगह अता करेंगे मस्जिद के बारे में आपके हदीस मुबारक है कि जो मस्जिद से आकर थोड़ी सी गंदगी को दूर करता है यानी कि थोड़ी सी किसी को रबिश नजर आती है वो वहां से उठाता है अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को दूर करता है और इसी तरीके से स्कॉलर्स कहते हैं कि मदीनातुलमनवरा में एक बूढ़ी और बुजुर्ग औरत थी और वो हर रोज नमाज के वक्त से पहले आती वहां पे झाड़ू लगाती और सारी सफों को सीधा कई किया करती थी और एक दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने देखा कि वो औरत नहीं है आपने नहीं पूछा दो तीन दिन आपने जब उस औरत को वहां पे नहीं पाया तो आपने सहाब कराम से पूछा कि आ, मेरे साहबी वो जो बुजुर्ग औरत आती थी मस्जिद में तो वो आजकल वो नजर नहीं आ रही तो सहाबियों ने कहा है अल्लाह के रसूल इसका इंतकाल हो गया है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका इंतकाल हो गया वो तो अल्लाह के घर से बड़ी मोहब्बत करने वाली थी वो तो मस्जिद से प्यार करने वाली थी हजूर ने अपने साहबा कराम को साथ लिया और उस बुजुर्ग औरत की कबर पर खड़े होकर उसकी बख्शिश के लिए से दुआ की कि रसुल्लाह को उसका मस्जिद में आना और मस्जिद के साथ मोहब्बत करना और मस्जिद की सफों को दुरुस्त करना इतना पसंद आया ये अमल उठिए अपने दिलों को रोशन कीजिए अपने दिमाग को रोशन कीजिए और अपने आप को अल्लाह की बंदगी और इतात में लाते हुए नमाज नमाज के साथ जोड़ लीजिए और हर हाल में नमाज पढ़नी है मोस्टली हमारे यंगस्टर्स नमाज नहीं पढ़ते हमारी यूथ नमाज नहीं पढ़ती है क्यों नहीं पढ़ती क्योंकि इनके फ्रेंड्स नमाज नहीं पढ़ते और इनको शर्म आती है हाई मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरे दोस्त कहेंगे कि ये तो मौलवी हो गया वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे वो तो मुझे मुझे इस तरीके से वो मुझे टॉन्ट करेंगे तो नमाज की वजह से कुरान की वजह से और आपके दीन की वजह से जो आपको मजाक करता है उसका अपना अमल है लेकिन उसकी मजाक के जब आप उसके मजाक को सहते हैं तो अल्लाह आपको बड़े अजर अदा करता है नमाज बहुत बड़ा अमल है और तमाम के तमाम अंबिया कराम में नमाज का अमल रहता था वो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इतात में इबादत किया करते थे स्कॉलर्स कहते हैं कि कयामत के दिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ने वाले होंगे कयामत का दिन होगा कि अर्श से निदा आएगी कि सारे के सारे लोग जो रोजे मैशर में इकट्ठे होंगे मिलियंस में कि अल्लाह के हजूर वो सजदे में झुक जाए तो स्कॉलर्स कहते हैं कि जो लोग दुनिया में नमाज नहीं ना पढ़ते कयामत के दिन उनके चेहरे और उनके जिस्म जो होंगे वो सजदे में नहीं झुक सकेंगे कि वो कोशिश भी करेंगे तो उनकी जो गर्दनें होती हैं उनकी कमर के साथ अटक जाएंगी उनकी जो गर्दनें हैं उनकी कमर के साथ अकड़ जाएंगी दे वॉन्ट बी एबल टू रीड नमाज दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोस्ट्राइट टू अल्लाह ऑफ तेफ्रेजरक्शन वो सजदा नहीं करेंगे और स्कॉलर्स कहते हैं कि बेनमाजियों को फिर फिर हमान और कारून जो हैं इनकी रौ में खड़ा किया जाएगा कौन चाहेगा कि दुश्मनाने खुदा की सफ में खड़ा हो वहां पे तो सबका दिल करेगा आज काश कभी क़राम का साथ मिल जाए आज कभी क़राम का साथ मिल जाए आज अहले बहते इतहार का हमें साथ मिल जाए उठिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए यह नमाज ये इबादत बहुत बड़ा अमल है और सबसे पहला सवाल हमें हमारी नमाजों के बारे में किया जाएगा और कुरान में अल्लाह व तआला ने मोर देन सेवन हंड्रेड टाइम्स अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है इंशाल्लाह कभी फर्दर मुझे अल्लाह ने जिंदगी में मौका दिया तो मैं नमाज की फजीलत पे एक जो स्पेशली लेक्चर है ये भी रिलेटेड है नमाज से वराजुल मुअल्लकुन फिल मसाजिद के वो मर्द या औरत जिनके दिल मस्जिद की मोहब्बत में अटके रहते हैं कि उनके दिल जो है वो मस्जिदों में लगे रहते हैं और साब कराम को पता है कैसी मोहब्बत होती थी रसुल्ला वसलम से इतनी मोहब्बत किया करते थे और मस्जिदों में इतना रसुल्लाह के साथ इतनी मोहब्बत किया करते थे कि एक वाक्य है कि हजरत हंजला सहबी रसूल थे कि एक दिन वो मदीना शरीफ की गलियों में ऊंची ऊंची रो रहे थे और कह रहे थे हंजला मुनाफिक हो गया हंजला मुनाफिक हो गया साथ में ये आवाज लगा रहे थे कि हंजला मुनाफिक हो गया और वो हजरत उमर ने उनको पूछा हंजला आप अपने आप को ऐसे क्यों कह रहे हो कि आप मुनाफिक हो गए आप आप तो इतनी इबादत गुजार हो आप तो इतने अच्छे साहबी हो तो उन्होंने कहा कि मैं जब मस्जिद में अल्लाह के रसूल के आगे जिक्र सुनता हूँ तो मेरा दिल ऐसे होता है कि मैं मेरा दिल करता है कि मैं रसुल्ला वसलम की मोहब्बत अल्लाह की इतात और कुरान की इतात में मैं सारी दुनिया छोड़ दूँ मस्जिद में बैठा रहूं, लेकिन जब मुझे अपने घर में लौट के जाना पड़ता है अपने बीवी बच्चों के साथ तो कहते हैं कि मैं फिर उनके उनके साथ इतना शामिल हो जाता हूं कि मैं भूल जाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया तो दोनों हजरत हंजला और हजरत उम्र फारूक रदील्लाहू अल्लाह के नबी की बारगाह में आए और उनके पास आकर उन्होंने कहा है, के रसूल हमारी ये हालत है हजरत उमर फारूक ने कहा मेरी भी ऐसी हालत है मैं अल्लाह के नबी के पास होता हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं दुनिया को तर्क कर दूं लेकिन जब मैं अपने घर में जाता हूँ तो अपनी फैमिली के साथ घुल मिल जाता हूँ तो रसूल अल्लाह सल्हु वसलम ने अपने उन दोनों सहब कराम से कहा कि ए मेरे सहाबियों जो तुम्हारे दिल की हालत मेरे पास मेरी मस्जिद में यहाँ पे मौजूदगी में होती है कि तुम्हारा दिल करता है तुम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इतात में दुनिया को छोड़ दो खुदा की इज्जत की कसम अगर तुम्हारी ये हालत हर वक्त रहे तो फरिश्ते तुमसे गलियों और बाजारों में उतर कर मुसाफहा करें ये साहब कराम को मस्जिद से और रसूलुल्लाह की सोहबत से और अल्लाह की इतात में इतनी मोहब्बत और इतनी अट्रैक्शन होती थी मेरी अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हमें भी ऐसी अट्रैक्शन सता कर दीजिए ये दुनिया की सारी रंगीनियाँ ये दुनिया के सारे ग्लैमरस ये दुनिया की सारी बेहयाया अल्लाह हमें इनसे बचा ले अल्लाह हमारी औलादों को इनसे बचाए अल्लाह ये जो तो शैतान के शैतान के काम हैं ये जो शैतानी दोस्तियां हैं ये जो शैतानी सर्कल्स हैं अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को इनसे बचा लीजिए जलाल हमें और हमारी औलादों को बेनमाजी होने की आजमाइश से बचा लीजिए अरबजुल जलाल हमें हमारी औलादों को सरात मुस्तकीम पर चलने की तोफीक अता फरमाइए अरब करीम तो बड़ा गफूर है तो बड़ा रहीम है अल्लाह हमारे दामन में कोई अच्छा अमल नहीं है ना हमने हजूर और उनके सहाबा जैसी नमाजें पढ़ी ना हम उन जैसी इबादतें कर सकते हैं ना हम उन जैसा तकवाहतीय कर सकते हैं ना हम जा, ना हम उन जैसे अपने रोजों की इबादत का अहतमाम कर सकते हैं मगर है मेरे रबजुलजलाल ए पूरी कायनत के मालिक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों के रब मेरी आपसे अल्तजा है कि अल्लाह हमारी इन इबादत को कबूल कर लीजिए हम जैसी भी इबादत करते हैं हम तेरी बंदगी और तेरी रजा के लिए करते हैं अल्लाह हमें अपने इताद से जोड़ लीजिए अल्लाह हमारा कुरान के साथ रिश्ता मजबूत कर दीजिए अल्लाह हमें और हमारी औलादों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तोफीक अता कीजिए अल्लाह के अल्लाह हम बहुत कमजोर हैं, हम अपनी औलादों की अच्छी तरबीजत नहीं कर सके हम अपने दिलों को नहीं संवार सके हम अपने हमने अपनी जिंदगियां जाया की हैं दुनिया में अल्लाह बाकी जितनी जिंदगी रह गई है उसको कुरान और हदीस के मुताबिक और अल्लाह की इतारत में अल्लाह की इत्तेबा में गुजारने की तौफीक अता फरमा अल्लाह के अल्लाह हम सबको और हमारी औलादों को आखरत में उस अर्श के सय में जगह अता कीजिएगा कि जब सारे गर्मी हशर से बदन भड़क रहे होंगे प्यास से जुबाने बाहर लटक रही होंगी पसीने हमारे नाक तक और हमारे शोल्डर तक बहते होंगे अल्लाह उस वक्त हमें और हमारे माँ बाप और तमाम कुल उम्मत मुस्लिम और हमारे बच्चों को अपने अर्श के साय में जगह अता कीजिए अल्लाह ताला हम सबको हमारी औलादों को अल्लाह करीम हमें इस दीन के लिए चुने और इस इस्लाम के लिए अल्लाह ताली हमें इस्लाम और दीन के अम्बेसडर बनाए और हमारी औलादों को इस्लाम और दीन के अम्बैसडर बनाए अल्लाह मुझे और हम सबको हमारे वालदान के लिए सदका जारिया बनाए और हमारी औलादों को हमारे हक में सदकाई जारिया बनाए और अल्लाह हम सब का खातिमा बिल ईमान फरमाए और बना तकब्बल मन्ना इन्ना का अनतस्मीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين بجاه النبي الامين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته